अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 के फर्स्ट हाफ के टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम का टेस्ट है ये। अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज, इसका आएगा सी ऑप्शन, बाईसाइकिल पंप। फर्स्ट एमसीक्यू सी ऑप्शन, बाईसाइकिल पंप। सेकेंड एम सी क्यूज है एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट विच हैज कॉन्स्टेंट, इसका आएगा टेम्परेचर, डी ऑप्शन। थर्ड एम सी क्यूज है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिजाइंड एज, इसका आएगा ए ऑप्शन, क्यू माइनस डब्ल्यू। आगे एफिशेंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज, ये आएगा ए ऑप्शन 10%। फोर्थ एम सी क्यूज का ए ऑप्शन 10%। फिफ्थ एम सी क्यूज है द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कॉन्स्टेंट, इसका आएगा ए ऑप्शन 8.314 जौल पर मोल पर केल्विन। सिक्स एमसीक्यूज है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द रिलेशन, इसका आएगा बी ऑप्शन 3/2 kT। सेवन एमसीक्यूज है इन डैश केस द वर्क डन इज जीरो, बी ऑप्शन आएगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो होता है। गैस का पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, बी ऑप्शन। नाइन्थ एम सी क्यूज है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय कॉलम बाय मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई एंड एट 0 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, ये होता है 1 एटमॉस्फेयर, ए ऑप्शन। टेंथ एम सी क्यूज है द यूनिट ऑफ सी वी एस, ए ऑप्शन आएगा, जौल पर मोल पर केल्विन। इलेवंथ एम सी क्यूज है इन थर्मोडायनामिक सिस्टम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 100 जौल एंड 100 जौल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन हीट लॉस्ट विल बी, इसका आएगा डी ऑप्शन -200 जौल। इसमें क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, वर्क भी डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, दोनों ये नेगेटिव में आएंगे तो -200 जौल आएगा इसका। व्हिच वन इज ट्रू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आएगा डी ऑप्शन, डेल यू इज इक्वल टू 0। फॉर एन आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स मॉलिक्यूल इज, ये आएगा बी ऑप्शन, 0 होता है। 14 एमसीक्यूज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ये आएगा सी ऑप्शन, आइसोथर्मल प्रोसेस। 15 एमसीक्यूज क्लाउड फॉर्मेशन इन एटमॉस्फेयर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस, ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, सी ऑप्शन। 16 एमसीक्यूज द रेशियो ऑफ सी पी और सी पी फॉर आर डाई एटॉमिक गैस इज इक्वल टू, ये आएगा सी ऑप्शन 1.40। 17 एमसीक्यूज फॉर अ डाई एटॉमिक गैस सी वी इज इक्वल टू 5R/2 देन गामा फॉर द गैस इज, ये आएगा सी ऑप्शन 7/5। ये इस फार्मूला से सॉल्व होता है कि गामा इज इक्वल टू सी पी और सी वी। अब सी पी की आपने वैल्यू पुट करनी है सी वी प्लस आर, सी वी है 5R/2 प्लस आर करेंगे तो ये आएगा 7R/2। अब सी पी की वैल्यू आ गई है, सी वी भी ऑलरेडी गिवन है, गामा आएगा सी पी ओवर सी वी, तो इसका आंसर आएगा 7/5, सी ऑप्शन।